हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव। और आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि जिस एग्जाम शेड्यूल का आप लोग वेट कर रहे थे, आप जिस पोस्ट के लिए एग्जाम का वेट कर रहे थे, वो डेट शीट यहाँ पर जारी की जा चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके जो DSSSB के कुछ एग्जाम बच गए थे जिन पोस्ट के लिए, उनकी डेट शीट भी यहाँ जारी हो चुकी है। तो देख लीजिए कि आपका जो एग्जाम है वो किस डेट को है। तो ये सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर हो सकती है, जो कैंडिडेट काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, उनके लिए एग्जाम डेट यहाँ पर रिलीज हो चुकी है। तो कौन कौन से एग्जाम हैं, कौन कौन से डेट को हैं, पूरा आपको विस्तार से बताया जाएगा। तो बने रहे वीडियो में, पूरी वीडियो को जरूर देखिए। तो ये देखिए, 11 जून को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यहाँ पर शेड्यूल जारी हुआ है। नोटिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द वेरियस पोस्ट कोड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट शेड्यूल इन द मंथ ऑफ जुलाई 2021। तो ये जुलाई में होने वाले सभी एग्जाम हैं, यहाँ पर इनकी डेट शीट जारी हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए, द दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड विल होल्ड एग्जामिनेशन फॉर द वेरियस पोस्ट कोड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स GNCTD थ्रू ऑनलाइन मोड, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एज पर एग्जामिनेशन शेड्यूल गिवन हेयर एज अंडर। तो जो भी आपके एग्जाम होने हैं जुलाई में, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे, आपको पता ही है। तो ये एग्जाम आपके अब जो होने वाले हैं, ये जो पोस्ट के लिए यहाँ पे होने हैं, उनका यहाँ पे शेड्यूल दे दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले 3 जुलाई यानी सैटरडे को, 3 जुलाई सैटरडे को होगा आपका PGT हिंदी फीमेल का एग्जाम, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर 4 जुलाई को होगा PGT पॉलिटिकल साइंस मेल, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर 10 जुलाई को एग्जाम है, कौन कौन सा, PGT मैथ्स फीमेल और PGT हिस्ट्री मेल। उसके बाद 11 जुलाई को है PGT कंप्यूटर साइंस मेल, PGT कंप्यूटर साइंस फीमेल और PGT ज्योग्राफी मेल और PGT ज्योग्राफी फीमेल। तो ये पूरा शेड्यूल यहाँ जारी किया जा चुका है, यानी कि 3 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक का पूरा शेड्यूल आ गया है। और जो बाकी के पोस्ट कोड यहाँ बचे हुए हैं, उनका भी शेड्यूल जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। तो अपनी तैयारी को थोड़ा सा और तेजी ला दीजिए तैयारी के अंदर, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से हो पाए। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि जो भी आपका नीचे जो नोट दिया हुआ है, इसको भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपडेट देयर ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन। जितने भी कैंडिडेट हैं, उनको अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर अपडेट करने की सलाह दी गई है। नेम ऑफ एग्जाम सेंटर एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन टाइमिंग शैल बी मेंशन इन द ई एडमिट कार्ड। और जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, कौन सा है, उसका नाम और एग्जाम की डेट आपके ई एडमिट कार्ड के ऊपर लिखी हुई आ जाएगी, मेंशन होगी आपकी। डिटेल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड डाउनलोडिंग ऑफ ई एडमिट कार्ड विल बी गिवन शॉर्टली ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बोर्ड। तो आपके जो भी एग्जाम रिगार्डिंग, जो आपकी जितने भी इंस्ट्रक्शंस है, वो भी आपके ई एडमिट कार्ड के ऊपर आ जाएंगी जल्दी से ही। और जितनी भी चीजें हैं आपके ई एडमिट कार्ड डाउनलोड होने से लेकर एग्जामिनेशन तक की सारी इंस्ट्रक्शन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलती रहेंगी। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट वेबसाइट ऑफ द बोर्ड एंड OARS पोर्टल रेगुलरली फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। तो सभी कैंडिडेट को यहाँ सलाह दी जाती है कि आप जो ये वेबसाइट है, इस पर रेगुलरली विजिट करते रहें, जिससे कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन हो वो पता लगते रहे। कैंडिडेट्स में आल्सो बी इन्फॉर्म ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एज वेल। और वैसे तो जो जितने भी कैंडिडेट होते हैं, उनके मोबाइल नंबर जो कि रजिस्टर्ड है, उन पर ही इन्फॉर्मेशन पहुंचा भी दी जाती है। लेकिन फिर भी कोई गलती ना हो, उसके लिए आपको बार बार में वेबसाइट चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। बट इन केस अ कैंडिडेट डज नॉट गेट एनी इन्फॉर्मेशन ऑन हिज हर मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल ड्यू टू एनी रीजन, देन इट वुड नॉट गिव एनी राइट टू द कैंडिडेट फॉर एक्सटेंशन ऑफ डाउनलोडिंग ई एडमिट कार्ड और री एग्जामिनेशन। तो अगर आपके मोबाइल पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, तो दोबारा उनको मौका नहीं मिलेगा कि दोबारा एग्जाम करवाए जाए या दोबारा ई एडमिट कार्ड आपका निकलेगा। तो आपके लिए अच्छा है कि आप साइट पे विजिट करते रहें।
इट इज अगेन एडवाइज टू विजिट वेबसाइट ऑफ द बोर्ड एंड OARS पोर्टल रेगुलरली फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको यही एडवाइस दी जाती है कि आप वेबसाइट पर विजिट करते रहें, जिससे कि आपकी जो भी कोई इंफॉर्मेशन डाली जाती है उससे आप अपडेट रहें। और वैसे तो हमारी वीडियोज हैं आपके लिए, जो भी कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो आप तक पहुँचा दी जाएगी, कुछ नहीं आती। लेकिन अगर पर्सनली कोई अलग से आपके लिए कुछ है तो वो आप अपनी साइट पे जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। और आपको एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, वहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। और तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उनका भी एग्ज़ाम है ना। तो जिसका भी एग्ज़ाम हो उन तक ये शेड्यूल पहुँचना ज़रूरी है। तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जिनका भी एग्ज़ाम है, ताकि वो भी तैयारी को तेज़ी से कर सकें। और लाइक तो आपको करना है, अगर अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते रहिए, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।